नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटम साइबर स्टार पर, जहां टेक्नोलॉजी के पीछे छुपा सच बिना किसी डर और सेंसर के सामने लाया जाता है। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जो इंसान को भगवान बना सकती है या पूरी मानवता को गुलाम भी। सोचिए, आप कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ सोचकर। कंप्यूटर चलाना, व्हीलचेयर हिलाना, गूगल में सर्च करना, सब कुछ दिमाग से। ये कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है और इसका नाम है न्यूरालिंक। सेक्शन 1, न्यूरालिंक क्या है? न्यूरालिंक एक ब्रेन मशीन इंटरफेस है जिसे 2016 में इलन मस्क ने लॉन्च किया था। हां, वही इलन मस्क जिन्होंने टेस्ला से कारों की दुनिया बदल दी और स्पेस एक्स से अंतरिक्ष को आम इंसान की पहुंच में ला दिया। लेकिन न्यूरालिंक का सपना इससे भी बड़ा है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां इंसान और मशीन के बीच कोई फर्क ही न बचे। न्यूरालिंक एक छोटी सी चिप को सीधे इंसान के मस्तिष्क में इम्प्लांट करता है। यह चिप खोपड़ी के अंदर लगाई जाती है और बेहद बारीक थ्रेड्स के जरिए दिमाग के न्यूरॉन से जुड़ती है। इसका मकसद है इंसान के विचारों को सीधे डिजिटल डिवाइस से जोड़ना, ताकि आप जो सोचे वही मशीनें समझे और तुरंत उस पर काम करे। इलॉन मस्क का मानना है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज और शक्तिशाली हो जाएगी कि इंसान उसके सामने कमजोर पड़ जाएगा, और इस असंतुलन को ठीक करने का एकमात्र रास्ता है इंसान को भी मशीन जितना तेज और सक्षम बनाना। न्यूरालिंक उसी दिशा में पहला क्रांतिकारी कदम है। सेक्शन 2, ये चिप कैसे काम करती है? न्यूरालिंक की चिप एक सिक्के जितनी छोटी डिवाइस होती है। इसे खोपड़ी में रोबोटिक सर्जन की मदद से इम्प्लांट किया जाता है, ताकि प्रक्रिया सटीक और बिना गलती के हो। इस चिप से जुड़ते हैं हजारों अल्ट्राथिन थ्रेड्स जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स से सीधे संपर्क बनाते हैं। जब आप कुछ सोचते हैं तो आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं। न्यूरालिंक उन सिग्नल्स को पकड़ता है, उन्हें डीकोड करता है और मशीनों को भेजता है। मतलब आपने सिर्फ सोचा, यूट्यूब खोलो, और बिना कुछ बोले, बिना कुछ छुए, यूट्यूब अपने आप खुल गया। सेक्शन 3, न्यूरालिंक से होने वाले फायदे 3.1 मेडिकल मिरेकल्स, लकवे, पैरालिसिस से ग्रस्त व्यक्ति सोचकर अपने अंग हिला सकता है। जिनकी दृष्टि चली गई है उनके विजुअल कॉर्टेक्स में सिग्नल भेजकर दृष्टि वापस लाने की कोशिश हो रही है। अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, पीटीएसडी जैसी मानसिक समस्याओं में भी यह एक उम्मीद की किरण है। 3.2 सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज। भविष्य में आप नई भाषा, स्किल्स या पूरा नॉलेज अपने दिमाग में अपलोड कर पाएंगे। रियल टाइम ट्रांसलेशन, इंस्टेंट मेमोरी एक्सेस और यहां तक कि ब्रेन टू ब्रेन चैट भी संभव हो पाएगी। 3.3 डिजिटल इमोर्टैलिटी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन आप अपने पूरे कॉन्शियसनेस को एक चिप में अपलोड कर डिजिटली अमर हो सकते हैं। सेक्शन 4, खतरे और एथिकल डिलेमास। हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ खतरे भी आते हैं। न्यूरालिंक भी इससे अलग नहीं है। अगर कोई आपकी सोच को हैक कर ले तो, अगर सरकारें या कंपनियां आपकी मेमोरीज को मैनिपुलेट करने लगे तो, क्या कोई आपको मजबूर कर सकता है ये चिप लगवाने के लिए? न्यूरालिंक से जुड़े कई एथिकल और प्राइवेसी के सवाल सामने आते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि यह चिप ऑप्शनल है, लेकिन इतिहास गवाह है जो चीज कभी वैकल्पिक होती है वो बाद में जरूरी बन जाती है। सेक्शन 5, अभी क्या चल रहा है? अब तक न्यूरालिंक ने चूहों और बंदरों पर सफल परीक्षण कर लिए। 2024 में इंसानों पर भी ट्रायल शुरू हो चुका है। पहले पेशेंट ने अपनी सोच से माउस को कंट्रोल किया है, और यह किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत है, पूरी तरह से आम जनता तक पहुंचने में अभी 5 से 10 साल लग सकते हैं, और इसमें रेगुलेटरी परमिशंस जैसे कि FDA की मंजूरी भी जरूरी है। लेकिन एक बात तय है, अगर न्यूरालिंक सफल हो गया तो दुनिया वैसी कभी नहीं रहेगी जैसी आज है। कंक्लूजन, दोस्तों, न्यूरालिंक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसान के भविष्य की दिशा तय करने वाला यंत्र है। क्या हम इस चमत्कार को अपनाकर सुपर ह्यूमन बनेंगे, या फिर धीरे धीरे अपनी मानवता खो बैठेंगे? आप क्या सोचते हैं, न्यूरालिंक इंसान का इवोल्यूशन है
या डिस्ट्रक्शन? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्रांतिकारी कंटेंट के लिए क्वांटम साइबर स्टार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हां, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगली टेक्नो क्रांति की खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार, दिमाग खोल देने वाले टेक रहस्य के साथ। जय हिंद और साइबर मिशन में जुड़े रहिए।